फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां यमुना स्नान करने गई दो नाबालिग लड़कियां नदी में डूब गई हैं। जिन्हें डूबता हुआ देख स्थानीय लोगों ने एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जबकि दूसरे की मौत हो चुकी है। बता दें कि मामला फतेहपुर जनपद के किसनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाजीपुर घाट का, जहां सुबह दो सहेलियां यमुना स्नान करने गई थी। उसी दौरान यमुना स्नान करते करते वह गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी, जिसके बाद लड़कियों को डूबता हुआ देख आसपास पर यमुना नदी की बाढ़ का लुत्फ उठा रहे लोगों ने लड़कियों को बचाने के लिए छलांग लगाई, जिसमें एक को सही सलामत बचा लिया गया, जबकि एक लापता हो गई। इसके बाद काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लापता लड़की की तलाश शुरू की गई, जिसके करीब दो घंटे के बाद दूसरी लड़की मृत अवस्था में पाई गई। जहां घटना की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी खागा मनीष कुमार, किशनपुर थाना अध्यक्ष संजय तिवारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मची हुई। स्टेट प्रभारी ठाकुर अनीस रघुवंशी की रिपोर्ट। क्या मामला है ये घटना जो गाजीपुर में अभी हुई है? गाजीपुर में जो सूचना मिली उसके तहत करीब 1:30 बजे के आसपास जी, एक नीता देवी करके और एक इंद्रमती करके जी, दो लड़कियां थी यहाँ पर चारा काटने आई थी। तो जो इंद्रमती है 6 वर्ष की लड़की, वो किनारे करीब पानी में थोड़ा सा नहाने या डूबने लगी, तो उसको बचाने के लिए नीतू नाम की जो दूसरी लड़की है करीब, जिसकी उम्र 15 वर्ष है जी, उसको बचाने के लिए वो नदी में आई। तो दुर्भाग्यवश छोटी लड़की तो बच गई है, लेकिन बड़ी लड़की पानी में डूब गई थी, इसके बाद वो मृतक हुई। सौ मिल गया? हाँ, सौ प्राप्त हो चुका है। तो अब पंचनामा भर के आगे कार्रवाई की जा रही है।